नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके समक्ष पशुपालन का दूसरा सीरीज लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। तो आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओरिजिन प्लेस ऑफ फ्रेश वाटर बुफेलो, स्वच्छ जल वाली भैंस का जन्म स्थान है। तो स्वच्छ जल वाली भैंस का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। तो इंडिया में स्वच्छ जल वाली भैंस का है। तो दूसरी भैंस की प्रजाति होती है जिसको कहते हैं दलदल वाली भैंस, या उसको कहते हैं स्वैंप बुफैलो या मड बुफैलो। तो स्वैंप या मड बुफैलो का जन्म स्थान चाइना में होता है, और जितनी भी दलदली वाली भैंस है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियों में पाई जाती हैं। इस ये भैंसें भारत में नहीं पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुफैलोज मीट नेम, भैंस के मांस को कहते हैं। तो भैंस के मांस को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बुफेन। भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। और बकरी के मांस को चिवन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक सवाल बार बार आपके लिए पूछा जाता है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। व्हिच बुफैलोज कलर इज जेट ब्लैक, किस भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है? तो इसका आंसर होगा मुर्रा। मुर्रा भैंस का रंग जेट ब्लैक होता है। सूरती भैंस के लक्षण है उसकी सींग हाशियनुमा होती है। भदावरी भैंस का रंग ताम्र कलर होता है। मेहसाना भैंस का एक प्रमुख लक्षण जो है, यह एक भैंस की एकमात्र क्रॉस ब्रीड है जो मुर्रा गुड़े सूरती के क्रॉस से बनाई हुई है। अपनी इसी पहचान की वजह से ये काफ़ी प्रचलित है एवं जानी जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। ओस्टर साइकिल फाउंड इन बुफैलो, भैंस में ऋतु चक्र पाया जाता है। तो भैंस का ऋतु चक्र कितना होता है? इसका आंसर है 21 दिन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ओस्टर साइकिल की बात हो या हीट साइकिल की बात हो, दोनों बातें एक ही होती है, ओस्टर साइकिल या हीट साइकिल। तो भैंस का होता है 21 दिन, गाय का भी होता है 21 दिन, बकरी का होता है 19 दिन, आपके भेड़ का होता है 16 दिन। तो इन डेज को आप याद रखिएगा, ये काफ़ी टेक्निकल होते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेयर ऑफ बुफैलोज मिल्क इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस के दूध की भागीदारी। तो ये है आपका 54%। तो इसमें कुल भागीदारी का अगर देखें तो ये 54%, इसका मतलब है देखिए, भैंस ही सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में सक्षम है, जबकि गायों की संख्या ज़्यादा है, उसकी तुलना में दूध उत्पादन बहुत कम है। आइए देखते हैं अगला सवाल। रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बुफैलो पॉपुलेशन, विश्व के कुल भैंस जनसंख्या में भारत का स्थान। तो कौन सा स्थान है? पहला है। सामान्यतः भैंसें भारत में ही सर्वाधिक पाई जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं अगला सवाल। व्हिच बुफैलो फेमस फॉर फैट कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सी भैंस वसा पोषक के लिए मशहूर है? ये आपको भी पता होगा, कौन सी है? भदावरी। तो भदावरी अपने वसा प्रतिशत के लिए पाई जाती है, जिसमें 8 से 13% तक वसा पाया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि सबसे अधिक वसा इसी में पाई जाती है, इससे बहुत सारे पशु हैं जिनमें इनसे भी ज़्यादा पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक्ट ऑफ मेटिंग मेल एंड फीमेल इन बुफैलो इज नोन एज, भैंस के नर तथा मादा के मिलाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सर्विंग। तो गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, इसमें नर तथा मादा को मिलाने की क्रिया को सर्विंग ही कहते हैं। काविंग होता है, गाय भैंस में बच्चा देने की क्रिया को काविंग कहते हैं, बकरी में बच्चा देने की क्रिया को किडिंग कहते हैं, भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को आपका लैम्बिंग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलो सिचुएटेड एट, केंद्रीय भैंस शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे है? हिसार में। तो हिसार में आपका भैंस का शोध संस्थान है, बरेली में आपका IVRI है, मथुरा में आपका गोट रिसर्च सेंटर है, नई दिल्ली में आपका ICR उपस्थित है जो एग्रीकल्चर का एक स्वायत्त शासी संस्था है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब आप इसमें देखिए N.E. बोरलॉग, इनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ये हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।